उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव में जब महिलाओं को आरक्षण मिल रहा होगा तो 30 महिलाएं चुनकर विधानसभा में पहुंच सकती हैं। कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नारी शक्ति वंदन विधेयक के जिस तरह से चर्चा के केंद्र में रहने पर सभी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी और महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% यानी एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिल सकता है। एक बात यह भी बोली गई है कि अगले परिसीमन के बाद इसे लागू कराया जाएगा, क्योंकि संसद में भी अच्छे खासे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। कई राज्यों 50% राज्यों की भी सहमति चाहिए, उनकी विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को जाना चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन लागू हो पाएगा। परिसीमन 2026 में होना है और परिसीमन के बाद कई जगह की सीटें खत्म होती हैं, कई नई सीटें बनती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संसद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इसीलिए नया संसद भवन का परिसर तैयार किया गया है। विधानसभाओं की स्थिति भी बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में जितनी जनसंख्या है और जो उत्तराखंड का वर्तमान स्वरूप है उसके हिसाब से 90 सदस्यीय विधानसभा अस्तित्व में आ सकती है। हम सारे लोग जानते हैं अभी उत्तराखंड में विधानसभा में 70 विधायक हैं, 20 विधायक के बढ़ने की पूरी संभावना है 2026 में जब परिसीमन होगा। यानी 90 सदस्य विधानसभा में अगर एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा तो 30 महिलाएं सीधा सीधा चुनकर विधानसभा में पहुंच सकती हैं। अभी विधानसभा में कुल 9 महिला विधायक हैं, जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनकर विधानसभा में पहुंची हैं और 2 विधायक महिला विधायक कांग्रेस की हैं। देखना यह होगा कि इस विधेयक को कितनी जल्दी मंजूरी मिल जाती है और परिसीमन के बाद उत्तराखंड में कितनी सीटें वास्तव में निर्धारित हो सकती हैं विधानसभा के लिए। जितनी ज्यादा सीटें होंगी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।